नमस्कार, मैं हूं उपेश चौधरी और आप देख रहे हैं हाईटेक क्लासेस। मैं आज सिखाने वाला हूं रेशनल नंबर, परिमेय, व्यंजक। तो देखते हैं परिमेय व्यंजक क्या होता है। लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा आज पढ़ने में परिमेय व्यंजक क्या होता है, जो कि क्लास 10th के लिए सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण चैप्टर है परिमेय व्यंजक। तो परिमेय व्यंजक में हम देखते हैं कि पाई ए प्लस थ्री बी माइनस टू ए माइनस सेवन बी, इसका मान बताना है, मान बताइए, इसका मान बताना है। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं फाइव ए प्लस थ्री बी ऐसे लिखेंगे और माइनस से इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। तो माइनस से दो ए का गुणा कर देंगे तो माइनस, और यहाँ हम जानते हैं कि टू के पहले प्लस ए है, तो प्लस और माइनस में क्या होता है माइनस, तो माइनस टू ए हो जाएगा। और माइनस का जब गुणा होता है माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस के, तो माइनस 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 सेवन बी में माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सेवन बी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पाँच ए है और दो ए है, तो पाँच ए माइनस दो ए यानी पाँच ए में से दो ए घट जाएगा तो कितना बचेगा तीन ए, प्लस में या माइनस में। तो जिसका संख्या ज्यादा होता है यानी ज्यादा वाले संख्या के आगे जो साइन रहता है वही साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि प्लस का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन है। तो पांच ए में से दो ए को हटाएंगे तो तीन ए बचेगा, वो भी प्लस में। अब देखते हैं प्लस तीन भी प्लस सात भी, तो सात और तीन दस भी हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है परिमेय व्यंजक। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाए और जितना भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे परिमेय व्यंजक का, तो इसे हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस नाइन बाय x क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन, इसको सरलतम रूप में लिखिए, को सरलतम रूप में लिखिए। आप लिखते चलें क्योंकि जब तक नोट्स आप नहीं बनाएंगे तब तक आपके किसी काम का नहीं है, आप भूल जाएंगे। तो आप लिखते चलिए, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये x स्क्वायर है और माइनस नाइन है, तो इस नाइन को स्क्वायर में बदलना है, यानी कि इसको सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो हम जानते हैं नाइन जो है, पहले इसका नाइन का गुणनखंड निकालेंगे, तो तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ, तो तीन गुणे तीन, यानी इसको हम तीन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस
का स्क्वायर बटे ये x पावर 3 है माइनस 27 है, तो यानी x का क्यूब है यानी घन है, तो 27 किसका घन है, 27 किसका घन है, मान लीजिए x का घन है, तो ये 3 इधर आएगा तो 27 पावर 1 बटे 3 हो जाएगा x बराबर। तो 27 जो है किसका घन है ये पता करने के लिए इसका 27 का भी हम गुणनखंड कर देंगे, यानी 3 9 27, 3 3 का 9, 3 3, तो 3 × 3 × 3 यानी 3 का घन है 27, तो x पे पावर 3 माइनस 3 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। तो ए स्क्वायर की जगह हमारा है एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह है हमारा 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस 3 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 3। उसके बाद देखते हैं ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में, इसका सूत्र हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सूत्र लिखवा देते हैं इसका, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बटे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी ए की जगह x है और b की जगह 3 है, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, फिर प्लस है फिर प्लस लिखेंगे, फिर ए बी है यानी ए की जगह x है और b की जगह 3 है, ए की जगह x और b की जगह 3, तो 3x हो जाएगा और फिर b स्क्वायर है यानी b की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का 9 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऊपर x माइनस 3 है और नीचे x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 कट जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल वर्ग, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते रहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं देखिए, ये 9 है तो ये इसमें सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो हम हमारा क्या है x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू x प्लस 3, यानी कि x प्लस 3 दो बार हम लिख सकते हैं इसको, यही होता है, ये 3 का स्क्वायर है यानी 3 × 3 है, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं या 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसको हम x प्लस 3 एक बार और एक बार और x प्लस 3 लिख देंगे। अब देखते हैं आगे, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी ए की जगह यहाँ 3 है और बी की जगह यक्स है, और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 3 माइनस यक्स, बटे में ये जो है पूरा उतार देंगे, यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 3। तो अब हम देखते हैं ऊपर 3 प्लस यक्स है और नीचे भी 3 प्लस यक्स, यक्स प्लस 3 लिखे चाहे 3 प्लस यक्स एक ही है, तो इससे ये कट गया। ऊपर क्या बचा, 3 माइनस यक्स बटे यक्स प्लस 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा परिमेय व्यंजक का अभी हमारा पहला एक्सरसाइज है जो कि ये खत्म हो गया है। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं क्लास 9 के, क्लास 10 के, और आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हर एंट्रेंस एग्जाम में आता है, 9th के एंट्रेंस एग्जाम में, 11th के भी एंट्रेंस एग्जाम में, और पॉलिटेक्निक के भी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पॉलिटेक्निक के भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 10th के भी 11th पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 11th का जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर समझ में आया है तो लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर करिए अपने हर फ्रेंड को जो अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और या तो वो 9th में है या 10th में है या 11th के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।